सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमदाबाद भज्जी परस में। भावनगर में हूं। कल आपने देखा था एम अली एवियरी रियाज भाई का वीडियो, उसका एपिसोड 2 चल रहा है आज। आज मैं एक ऐसे फार्म पे आया हूं दोस्तों, पिछली जितनी भी बार मैं 3 या 4 बार भावनगर में आया हूँ, ये फार्म मैंने कभी विजिट नहीं किया। मतलब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती थी, फिर रात होने के बाद शूट कंप्लीट नहीं हो पाता था। ये है मनसुख दादा की वाड़ी। मनसुख दादा जो है यहाँ के काफ़ी फेमस इंसान है, बहुत पुराने ब्रीडर है, फिंच के मास्टर कहा जाता था, एक वक्त था इनका फिंच के मास्टर कहा जाता था इनको, लेकिन अभी सारा सेटअप इन्होंने निकाल दिया था। लेकिन होता है ना, वो बर्ड वाले कभी इस लाइन से पीछे नहीं हटते, एक ना उनको मतलब सपने में भी बर्ड्स ही दिखते हैं, लेकिन तो यही सपने को सच करने के लिए वो फिर से जो खो चुके बर्ड्स उसको दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। हालांकि पहले जितने बड़े पैमाने पे नहीं होता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं दोबारा, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करते हैं और हमेशा मरते दम तक बर्ड लवर अपने पास बर्ड रखता ही है दोस्तों। तो मनसुख दादा से मैं मिला नहीं सकता, पीछे वाड़ी है उनका, थोड़ा सा दूसरा सेटअप चल रहा है तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह छाट रहे, लेकिन आप व्लॉग में उनको देख सकते हो, व्लॉग में आपको देखने मिलेंगे वो। अभी उनके साथ में घोघा भी जाने वाला हूँ, घोघा समंदर यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर के आसपास है, शायद लगभग 30 या 50 होगा, वहाँ जाने वाला हूँ। तो दिखाऊंगा आज उनकी एवियरी, यहाँ पर कुछ कॉकटेल्स है, यहाँ पर कुछ कॉकटेल है, एमराल्ड कॉकटेल दिखाऊंगा जो आपको मैंने पिछले कोई भी वीडियो में नहीं दिखाया, एमराल्ड कॉकटेल में आपको फर्स्ट टाइम दिखाने वाला हूँ। और पीछे उनका एक और सेटअप है, वहाँ पर भी थोड़े जाएंगे दोस्तों। देख सकते हो एक सेटअप यहाँ पर है और एक सेटअप यहाँ पर है। ये वाले सेटअप में 3-4 ही कॉकटेल में मेन सेटअप में जाऊँगा और यहाँ पर आपको अच्छे कॉकटेल दिखाऊंगा और खासकर एमराल्ड कॉकटेल जो सिंगल पीस है मैं आपको वो दिखाऊंगा, देख के आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए सलमान भाई मेरे लिए गेट खोल रहे, थैंक यू सो मच, जाता हूँ अंदर में। तो देख सकते हो दोस्तों ये है वो कुछ कॉकटेल्स, अंदर की साइड थोड़ा मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। ये सारे के सारे कॉकटेल जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे दोस्तों पट्ठे और कुछ सेमी अडल्ट है, इसमें से एक भी अडल्ट नहीं है। बस मटकी तो पहले की लगाई हुई थी तो ऐसे ही बस शौक के लिए उनके लगा छोड़ा है मटकी को, लेकिन है कॉकटेल सारे के सारे पट्ठे, बस फ्लाइंग में छोड़ा हुआ है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बना रहा हूँ। हर कैटेगरी का बर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो लुटिनो भी है जिनके गाल पे ऑरेंज पैच होता है, और पैचलेस भी है, पैचलेस में पर्ल है, अल्बिनो है, इसके अलावा एमराल्ड दिखा देता हूँ। देखिए ये वो रहा एमराल्ड, आपको उसके फीचर्स दिखाता हूँ, मज़ा आएगा आपको देख के। देखिए ये रहा एमराल्ड, माशाल्लाह है वो एकदम, आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। 80-90 काफ़ी फ्लाइंग कर रहे हैं, बहुत हार्ड फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगा ज़रूर आपको, अच्छा सा लुक दिखाऊंगा एमराल्ड का, खास में उसी को देखने आया हूँ यहाँ पर। ये ऊपर जाके बैठ गया फिर से, ये देखिए ये रहा, इसका पीछे से फीचर्स देखने मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, माशाल्लाह क्वालिटी है ये एक नंबर। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, पास में देखोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा, इसका चार्म ही अलग है। और यहाँ पर सिंगल डॉटेड में भी देखा मैंने, शायद वो बैठा है सिंगल डॉटेड, तो कॉकटेल जिस तरह फ्लाई करते हैं मज़ा आता है। देखिए एक सिंगल डॉटेड वहाँ पर भी है नीचे, देख सकते हो ये रहा, देखिए कितना प्यारा है, देख सकते हो एकदम खूबसूरत कॉकटेल है, इसको बोलते हैं क्वालिटी कॉकटेल। सिंगल डॉटेड होता है, उसके बस पीठ पे एक डॉट होगा सिंगल, बड़ा अच्छा होता है दिखने में, मज़ा भी आएगा आपको इस तरह के बर्ड आप रखोगे तो। और बस यही सब कॉकटेल्स हैं यहाँ पर, कॉकटेल्स दिखाने के बाद आपको मैं दूसरे सेटअप में भी ले चलूँगा, वहाँ पर भी कुछ बर्ड्स है वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। बर्ड्स देख के तो मज़ा ही आ रहा है मुझे, माशाल्लाह क्वालिटी के बर्ड्स है एक नंबर इनके पास। एमराल्ड को पास से देखने मिल गया, अरे बहुत भाग रहा है, ये दूसरा एमराल्ड है नीचे आया वो, अच्छा ये दूसरा आ गया नीचे, थोड़ा सा फॉन्ट टाइप में लगेगा लेकिन देख लीजिए आप कुछ इस तरह का होता है। दो पीस है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे से फ्लाई कर रहा है ये देखिए। उसके बाद में क्रीम क्रस्ट है वो, क्रीम क्रस्ट है ये देखिए, क्रीम क्रस्ट में बटरफ्लाई है, देख सकते हो बटरफ्लाई मार्किंग बोलेंगे, बटरफ्लाई मार्किंग कॉकटेल बोलेंगे, बटरफ्लाई कॉकटेल एक्चुअल नहीं होता राइट, बटरफ्लाई मार्किंग कॉकटेल बोला जाता है क्रीम क्रस्ट में। यानी कि देखिए उसका सर जो है वो ऊपर का क्रीम कलर का है, जो ताज है उसका वो क्रीम कलर का होगा। देखिए इतने पास से मैं आपको प्यारे प्यारे कॉकटेल्स दिखा रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, एंटरटेनमेंट वीडियो है आपके लिए। कॉकटेल्स का एक फ्री फ्लाइंग केज बड़ा सा कॉलोनी में आपको दिखा रहा हूँ, और उसके अंदर भी मैंने आपको एमराल्ड दिखा दिया जो जल्दी देखने नहीं मिलता। देखिए ये हो एमराल्ड, इसके पाँव में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लगभग गया होगा। देखिए ये है एमराल्ड, देखिए इसको बोलते हैं एमराल्ड, बहुत कम होगा गुजरात में, 2-4 जन के पास, इक्का दुक्का लोगों के पास ही होता है, माशाल्लाह क्वालिटी है, मज़ा आ गया देख। सो ये लगे हाथ में बाजू वाली कॉलोनी थी जो उसके अंदर भी आ गया हूँ, यहाँ पर कुछ ही बर्ड्स है देख सकते हो, बहुत कम बर्ड्स है लेकिन है काफ़ी अच्छे, वो देखिए माशाल्लाह क्या फ्लाई कर रहे हैं, मज़ा ही आ गया ये देखिए। देखो
वो वाला बैठा है मेल्स सिंगल सिंगल पर्ल मार्किंग सिंगल पर्ल मार्किंग। अच्छा उसकी मार्किंग सिंगल डॉट नहीं रहेगा, सिंगल पर्ल रहेगा। मतलब उसके फेदर पे जो है सिंगल डॉट नहीं है, पर्ल टाइप के फेदर आ रहे हैं, सिंगल पर्ल मार्किंग कहा जाएगा इसको। उसके बाजू में वो पेस्टल फेस की फीमेल है, पेस्टल फेस की फीमेल है उसके बाजू में, देख सकते हो। रजनी भाई बाहर से मुझे बता रहे हैं, जो कॉकटेल के एक्सपर्ट है, कॉकटेल किंग बोल सकते हो आप उनको। जाएंगे उनके भी सेटअप पे, कल जाने का प्लान है उनके सेटअप पे। पेस्टल फेस उसके इधर बैठा है, लुटिनो पेस्टल फेस वो लुटिनो है। बराबर, लुटिनो हैवी पाइड में है। अच्छा लुटिनो पेस्टल। अच्छा ये नीचे जो चिक घूम रही है कौन से वाले है? वो देखो पल पाइड में मिस मार्किंग, पल पाइड में मिस मार्किंग, मार्किंग आप बोल सकते हो। अच्छा दादा छेड़ेंगे नहीं उसको, थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहा है वो। रजनी भाई अंदर आ गए, चलिए रजनी भाई अंदर आ गए तो मजा आएगा। ये है मिस मार्किंग फोन में, मिस मार्किंग फोन में बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में ओके, बटरफ्लाई मिस मार्किंग बोल सकते हो। ओके ये जो है ये प्रॉपर है मार्किंग है, बटरफ्लाई प्रॉपर बटरफ्लाई मार्किंग में देख सकते हो। ओके देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बड़े बहुत खूबसूरत प्रॉपर बटरफ्लाई। इनकी ब्रीड यहीं पे हुई है, राइट यहीं पे हुई है। इसका पेरेंट्स दिखा देता हूँ आपको, देखो ये पेस्टल फेस की फीमेल है, ये पेस्टल फेस की फीमेल ऊपर वाली, और ये वाला मेल है, ये वाला मेल है। ये पैर के बच्चे हैं, राइट पैर के बच्चे, ठीक है बहुत बढ़िया। और ये सैडल बैक क्रीम क्रस्टेड है, आप देख सैडल बैक क्रीम क्रस्ट, उसका क्रस्ट जो है क्रीम नीचे नीचे वाला, हां वही नीचे वाला, हां क्रीम क्रस्ट दिख रहा है उसका। ये क्वालिटी बहुत कम देखने को मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया चीज दिखा दी आपने, मजा आया। दोस्तों बाहर निकल के हम लोग जा रहे थे दूसरा सेटअप देखने के लिए। देखिए ये वाड़ी है बंसू दादा की, और यहाँ पर ढेल घूम रही है, फीमेल जो मोर होती है वो घूम रही है, देख सकते हो यहाँ पर। ये उनकी वाड़ी है, काफ़ी देर से हम लोग वहाँ पे आराम कर रहे थे, खाना भी खाया हमने रूम में बैठ के। ये पूरी उनकी वाड़ी है, नया सेटअप का काम यहाँ पर चल रहा है पूरा। चलिए अब चलते हैं दूसरे सेटअप में। देखिए फार्म होने का फ़ायदा ये होता है, यहाँ बाहर जो है नेचुरल बर्ड जो है वाइल्ड बर्ड वो यहाँ पर ब्रीड कर रहे हैं। देखिए घोंसला है, ग्रीन बर्ड जो होता है वो यहाँ पर ब्रीड कर रहा है, और ये देख सकते हो उसके बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे भी है उसके यहाँ पर अंदर, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे। माशाल्लाह बच्चे हैं, शायद आपको दिख रहा होगा नहीं पता नहीं, काफ़ी धूप है यहाँ पर, ग्रीन बर्ड है। बाहर निकालेंगे तो नेस्टिंग भी कट जाएगा, यहाँ पे कुछ करेंगे। देखिए टूथपेस वगैरह पूरा सामान यहीं पड़ा है, और यहीं पे ब्रीड कर रहा है, काफ़ी अच्छा लगा देख के। दो बच्चे हैं शायद अंदर। देखिए हमारा दूसरा सेटअप था, दूसरे सेटअप की तरफ जा रहे हैं, ये वाड़ी के पीछे की साइड एकदम यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ बर्ड्स है आपको लगे हाथ में, ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको घोघा समंदर जाना है, वहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने कहा था मनसुख दादा फिंच में मास्टर रखते हैं, तो ये देखिए इनका फिंच का सेटअप हुआ करता था, और यहाँ पर अभी भी सेटअप है इनका फिंच का। देखिए लाइन से कितनी सारी फिंच दिख रही है, माशाल्लाह सारी की सारी फिंचेस ही हैं यहाँ पर, और सेल में है, बिल्कुल सेल में है ये फिंचेस। ऑरेंज टू बी वगैरह ये सब सारी फिंचेस दोस्तों सेल में है। इसके लिए डायरेक्टली आप मनसुख दादा का नंबर मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली उनको फ़ोन कर सकते हो। रजनी भाई अगर आप नंबर बता दो मनसुख दादा का तो अच्छा होगा, वहाँ तक मैं व्यूवर्स को फिंचर्स दिखा देता हूँ। ये फिंचर्स दोस्तों वहाँ पर अलग अलग टाइप की लग रही है, मज़ा आ गया देख के, बाहर से देख के काफ़ी मज़ा आ गया मुझे तो, वाह। और कुछ बच्चे यहाँ पर भी रखे हुए निकाल के, हाँ आपने नंबर बता दीजिए। मनसुख दादा का नंबर है 8160 8160 77 77 62 62 77 77। ये मनसुख दादा का नंबर है, डायरेक्टली कॉल कर लीजिए। ब्लैक चिक वगैरह भी है यहाँ पर फिंचर्स, रेट वगैरह के लिए डायरेक्टली आप बात कर लीजिए। देखिए वो सामने बैठी हुई है, अच्छा है फिंच का जोड़े, काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास में यहाँ पर, मज़ा आ गया। मैं अंदर नहीं गया लेकिन आई एम श्योर सब में ब्रीडिंग चल रही होगी। अब इसकी चाबी पता नहीं किसके पास है, चाबी ढूंढेंगे वगैरह अंदर जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, हमें जाना है घोघा समंदर, तो लेट काफ़ी हो रहा है हमको यहाँ पर। क्या बात है सलमान भाई, सही बात है ना, लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए। तो चलिए दोस्तों फिर उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ही वीडियो बनाया था अच्छा लगा होगा आपको। मनसुख दादा का नंबर आपको दे दिया, डायरेक्टली उनको कॉल कर लीजिए। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में, आज रात में भावनगर में ही हूँ, कल एक दिन भावनगर रहकर स्टे करके कल शाम को मैं निकल जाऊँगा अहमदाबाद के लिए। कल दो तीन सेटअप पे जाएंगे, मज़ा आएगा। यहाँ से मुझे कैट भी ले जानी है, एक अपने अयूब भाई उनके वहाँ से मेरी कैट जो 2 महीने से यहाँ पर रखी हुई थी वो ले जानी है मुझे। मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मान।